वेलकम टू लेट्स मेजर ग्रामीण में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज मैं आपके न्यूमेरिकल है बहुत ही अमेजिंग सा होने वाला है, जिसमें आपको हेडिंग डाल के यहाँ दिखा रही हूँ फॉर स्पेशल फॉर क्लास 9, जिनके बोर्ड के पेपर बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और उन्हें नहीं आ रहा समझ कि हमें न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन कौन से कर लेने चाहिए। तो मैं आपको अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता चुकी हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लाई हूँ और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आने ही आने वाला है। सो अच्छी सी प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको समझना भी मीन्स के पड़ेगा। सो मैं आपके लिए जो है मीन्स समझाने के लिए भी लाई हूँ और ये करने के लिए लाई हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन भी हाथ के हाथ आ जाए, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। तो ये क्वेश्चन जो है 150 ग्राम बुलेट इज़ वेयर्ड विद द वेलोसिटी, मीन्स कि इसमें यही बोला जा रहा है कि हमारी जो बुलेट है फायर्ड होगी तो वो कितने ग्राम की है, कितना केजी वो जाएगी, कितना किलोमीटर जाएगी और उसकी जो गन की जो मीन्स के एक रिकॉयल होती है वो कितनी तक होगी, केजी तक होगी। तो हम वो सब इसमें मालूम करने वाले हैं। इट्स सो अमेजिंग, मीन्स के इसके गन के मामले में हमारा बुलेट के मामले में बहुत कुछ अनोखा होने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है बुलेट का, मीन्स के टावर का के ऊपर से, बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि हमें ये पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमारी जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो हमारी तैयारी चूँकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, सो हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। सो इसके लिए आपके लाइन बहुत अमेजिंग मास ऑफ डेटा तैयार करते हैं। मास ऑफ ब्लड इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू 150 ग्राम इक्वल्स टू 152 1000 को डिवाइड कर देंगे। 1000 को 150 से डिवाइड करेंगे क्योंकि m1 जो है हमारा वो 1000 है। हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर है 0.115 kg। सो इसका मास ऑफ बुलेट का हमारा आंसर आ चुका है। अब हम मास ऑफ गन करेंगे, मास ऑफ गन करेंगे तो इक्वल्स टू करके m2 कितना है हमारा 15 kg है तो हम इसको ले लेंगे m2 देखेंगे 15 देखे मैं आपको दिखा दूँ कि m जो हमारा 15 kg है। अब बिफोर कोलिजन करेंगे हम, बिफोर कोलिजन सही है। अब हम बिफोर कोलिजन को स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन मीन्स कि हमारा पहले का क्या वेलोसिटी थी और अब क्या वेलोसिटी आएगी। बिफोर कोलिजन पहले की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू u2, ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हेडिंग्स फार्मूलाज हमें सब पुट करना आना चाहिए ताकि हमारा जो मीन्स के जो न्यूमेरिकल है उसमें कोई गलती ना हो, कोई मसला ना हो। तो u1 इक्वल्स टू m0 -1 आफ्टर कोलिजन करेंगे, आफ्टर कोलिजन स्टूडेंट्स करेंगे तो वो आने वाला है वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 इक्वल टू 1000 m² cm वेलोसिटी ऑफ गन, सही है। तो वेलोसिटी ऑफ गन भी हमने इक्वल टू v2 इक्वल टू ? क्योंकि हमारा जो गन का मामला है, रिकॉयल ऑफ द गन है, वो हमें मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ताकि आपको ये पहचान रहे कि हमें क्या चीज़ मालूम करनी है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ गन मालूम करनी है। इसके लिए हमें बड़ा सा लंबा सा सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग में डाल लूँ। सो अब जो है सॉल्यूशन की हेडिंग डाल चुके हैं, सही है। अब हम डालना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स इसकी। द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इस, अब आप ये सोचेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हम मालूम कैसे करें। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिफोर कोलिजन में जितना भी हमारा मीन्स के मटेरियल है हम उसको नीचे पुट आउट कर देंगे, जैसे u1 प्लस m2 u2, इसका एक पेयर बना दिया। तो m1 क्या है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस u1 हमारा 0 प्लस m2 हमारा 15 है और u2 हमारा जो है वो 0 है क्योंकि वो हमें मालूम ही नहीं है। u1 और u2 हमारा 0 ही रहेगा।
सही है। तो अब हम जो है मैं आपको बता दूँ पूरा डिटेल में कि इसको कैसे करेंगे। ज़ीरो कर दिया, अब 0.15 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करेंगे और 15 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करेंगे, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड देन ज़ीरो ही इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम आ चुका है। द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन करेंगे, अब हम आफ्टर कोलिजन एम वन एम टू हमारा क्या था, बिफोर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन में आएंगे तो हमारा हो जाएगा एम टू वी वन प्लस एम टू वी टू। आपको पता है वी टू हमें मालूम करना है, एम वन हमारा 0.15 था प्लस जो हमारा मल्टीप्लाई जो वी वन है हमारा वो 1000 है प्लस एम टू जो है हमारा जो है वो हमारा ज़ीरो है सॉरी 15 है एंड देन हमारा वी टू हमें मालूम ही नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय वी टू कर देंगे। अब जब हम इसे देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.15 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 150 आएगा और 15 को वी टू से करेंगे तो 15 वी टू इसका आंसर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन। अब हम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन पे भी देखेंगे इसको, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे मेथड्स हैं जिनसे हम अपने जो अपना न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑफ मोमेंटम द टोटल। और मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये वाला और टावर वाला तो आएगा ही आएगा। अब मतलब इसको रट्टा लगा लें, आप इसको प्रैक्टिस करें, ये आने ही वाला है। द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू द टोटल कोलिजन ऑफ आफ्टर कोलिजन, सही है, तो दैट टोटल मोमेंट ऑफ आफ्टर कोलिजन। सो इज दैट क्लियर, बिकॉज ऑफ दैट जितना भी मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत ही सॉल्व करके सिखा चुकी हूँ। अब हम करेंगे कि हमारा आफ्टर बिफोर का क्या है, तो जीरो इक्वल्स टू 150 हमारा आफ्टर का है और बिफोर हमारा ज़ीरो था और वी टू हमें मालूम करना है, सही है। अब जो है इसको उठाना स्टार्ट करेंगे, मीन्स के इसको पुटिंग करना स्टार्ट करेंगे, पुट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको मींस के कोई भी अगर मुश्किल है तो आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वी टू जो हमारी वैल्यू है उसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि वो प्लस में थी, इक्वल टू 150 कर देंगे। वी टू इक्वल टू 150 माइनस 15 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस में नहीं चेंज हो रहा भाई, ये 15 ही रहेगा, माइनस 15। सो आप देख सकते हैं कि माइनस 10 एम स्क्वायर आ चुका है, बहुत इजी सा आंसर आ चुका है। लर्न इस मैं इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि मैं आपको जो समझा रही हूँ वो आपको कितनी हद तक समझ आ रहा है और उसको कौन सी चेंजेस आपको चाहिए जो आपको अच्छे। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।